हेलो दोस्तों, गर्भधारण कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या गर्भधारण कभी भी हो जाता है, ये सारी बातें लोगों के मन में घूमती हैं। गर्भधारण के लिए शुक्राणु अंडे से कैसे मिलता है, ये भी एक कौतूहल का विषय है दोस्तों। कब मिलता है, शिशु कैसे बनता है, ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी होना किसी भी महिला के लिए बहुत खास अनुभव होता है दोस्तों। इस पल का अनुभव करना इतना आसान भी नहीं होता। अगर आप ट्राई कर रही हैं, तो आपको पता होगा कितना आसान नहीं होता। गर्भधारण के लिए महिला और पुरुष का मिलना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, समय और शारीरिक स्थितियों का सही होना बहुत जरूरी होता है। कई महिलाएं चाहती है कि उनका गर्भधारण हो जाए, पर कुछ कमियां रह जाती है और गर्भधारण नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी के लिए महिला और पुरुष का योगदान बराबर होता है। सही समय पर महिला और पुरुष का मिलन हुआ तो गर्भधारण होना तय होता है। गर्भधारण के लिए पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे के साथ मिलन करता है और शुक्राणु अंडे के भीतर प्रवेश करता है, जिसको निषेचन क्रिया कहते हैं। ये पहला चरण होता है दोस्तों गर्भधारण होने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक बार में लाखों की संख्या में शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं और महिला के अंडे से मिलन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दूरी करीब 6 इंच की होती है, पर इतनी आसान नहीं होती। इस 6 इंच की दूरी में ही मैक्सिमम शुक्राणु रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ शुक्राणु जो स्वस्थ होते हैं अंडे के करीब पहुंच पाते हैं। उनमें से ही एक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है, पर ये हमेशा नहीं होता दोस्तों। महिला के फर्टाइल पीरियड, जिसको ओवुलेशन पीरियड कहते हैं, वो महीने में सिर्फ 3 से 5 दिनों के लिए ही होता है। उस दौरान ही ये प्रक्रिया होती है, यानी कि गर्भधारण के 80% चांस इसी दौरान होते हैं दोस्तों, जब महिला का फर्टाइल पीरियड होता है। महिला का अंडा हर एक महीने ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और जब शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है तो निषेचन की क्रिया होती है। यही निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से बाहर आकर गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। प्रत्यारोपित अंडा 2 भागों में बंट जाता है, एक को प्लेसेंटा कहते हैं और दूसरा शिशु के रूप में विकसित होने लगता है। प्लेसेंटा ही शिशु को गर्भ में पोषण देने का काम करता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु भोजन, सांस, सब कुछ लेता है। जो भी माँ खाती है उसी के द्वारा शिशु तक भी पहुँचता है। यहाँ से ही शिशु बनना शुरू होता है। जैसे जैसे समय आता है, शिशु के महत्वपूर्ण अंगों का विकास होने लगता है। ये क्रम 9 महीने तक चलता है। आपको भी बताएं दोस्तों, 3रे महीने कुछ होता है, 4थे महीने कुछ होता है, धीरे धीरे महिला का पेट बड़ा होता है, यानी कि जितने भी कुछ होता है वो 9 महीने के बीच होता है। उसके बाद शिशु का जन्म होता है। शिशु जन्म के बाद महिला को शिशु का लालन पालन करना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आप भी इंजॉय कर रही होंगी, इस पल का खास इंजॉय करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर ये यादगार है तो आपको याद रखना भी बहुत जरूरी। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपको पूरे गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद भी आपको देती रहूं। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।